नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक नई वैकेंसी आई है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में, तो आप सभी को इसमें अप्लाई करना चाहिए। योग्यता केवल आईटी पास रखी गई है। पूरी डिटेल से इस वीडियो में उसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। रिक्वेस्ट है आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उन्हें भी इस नई वैकेंसी के बारे में पता चल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने नोटिफिकेशन है, कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है एनटीपीसी, यानी कि लिखा है मावडा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी कि एक भारत सरकार का उद्यम है, भारत सरकार का एक आपके एंटरप्राइज है। एनटीपीसी लिमिटेड है, वेस्टर्न रिलीजन हेडक्वार्टर लिखा हुआ है और ये जारी हुआ है न्यूज नोटिफिकेशन 24 मार्च के लिए लिखा है, 18 से 24 मार्च डेट है, तो आपको कल जारी हुआ था, आज मैं इसके बारे में न्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव आपके लिखा हुआ है, पूरी डिटेल से पढ़ लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरग्रेटेड एनर्जी कॉरपोरेशन विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ, ये आपके मेगावाट में होती है, और एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एक्सक्लूजिंग फ्रॉम लैंड आउटर्स ऑफ एनटीपीसी मावडा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट, और ये पोस्ट आपको डिटेल में दे रखी है। यानी कि पोस्ट को हम बढ़ा करके देखें तो पोस्ट का नाम है आपके आर्टिजन ट्रेनी फीटर और दूसरा है आर्टिजन ट्रेनी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। दो ट्रेड है, पहली तो फीटर है, क्वालिफिकेशन आईटीआई फीटर में होना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपके इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको पोस्टों की संख्या दे रखी है कैटेगरी वाइज वैकेंसी, तो इसमें देखिए फीटर में 11 अनरिजर्व है, 2 ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 3 है, और टोटल 20 सीटें दे रखी है। उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके देखिए 9 सीटें हैं अनरिजर्व की, 1 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 0 सीट है, यानी कि केवल आपको अनरिजर्व में फाइट करना है, एससी को भी अनरिजर्व में फाइट करना है, एसटी की 2 है, और टोटल इसमें 12 सीटें हैं। आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम एज, तो 45 ईयर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपकी एज काउंट की जाएगी एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट को, यानी कि जो भी इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। साथ ही 18 से 45 आपकी एज है, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा एज दे दी इन्होंने, तो आई होप आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, द वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विस मैन आर रिजर्व्ड एज पर गवर्नमेंट गाइडनेस, यानी कि जितनी होती है आपकी उतनी रिजर्व है, तो आपके लिए भी बेनिफिट है। ओनली दोज कैंडिडेट वो प्रोसेस द रिक्वायर क्वालिफाई एज द डेट ऑफ, यानी कि अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव अंडरगो 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू सो इस रिटर्न टेस्ट, यानी कि आपके रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें 2 घंटे का समय होगा, और आपकी कितने होंगे, यानी कि ये इन्होंने नहीं लिखा है, 2 आवर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट है। द टेस्ट आपके सब्जेक्ट नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट मेरिट लिस्ट सक्सेसफुली कैंडिडेट, यानी कि इसमें लिखा है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और आपके नॉलेज का टेस्ट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके केवल आपके वो ट्रेड वाला सब्जेक्ट ही रखेंगे, यानी कि ट्रेड में जो है आपका वही होगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और आपके स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सच ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव बी अपियर टू स्किल टेस्ट, यानी कि आपकी CBT एग्जाम से MCQ टाइप एग्जाम से जो बनेगी मेरिट उससे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट में आपको अपियर होना है। यानी कि इसमें आपके 2 घंटे के टाइम में जितनी क्वेश्चन आएंगी उसका जिक्र नहीं किया गया है, हो सकता है आगे जिक्र हो। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट, और देखिए इसमें है आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपके 2 ईयर के लिए आपको 21,500 रुपये मिलेंगे, और आफ्टर सक्सेसफुल यानी कि 2 वर्ष का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कंप्लीट होने के बाद आपको पर मंथ कितने दी जाएगी, तो रेगुलर आपके ग्रेड विद स्टार्टिंग बेसिक 21,500 की बेसिक के साथ आपकी शुरू हो जाएगी। पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। हेल्थ और आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग जनरल
इंस्ट्रक्शंस कंडीशन आपके लिए लिखी हुई है, पढ़ लीजिए उसे भी। मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें थोड़ी सी प्रोवाइड करवा देता हूँ। हाउ टू अप्लाई इम्पोर्टेंट होता है, तो वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन में सबमिट टाइप बायो आपको लिखना है, देयर आर एप्लीकेशन फीस फॉर दिस पोस्ट, नो फीस है, आपको जीरो पे करना है, यानी कि RS शुल्क आपका निःशुल्क रखा गया है। आगे लिखा है, एप्लीकेशन मस्ट अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ड्यूली, जो आपको डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जैसे कि बायोडाटा का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि 10वीं और ITI की मार्कशीट रख सकते हैं आप, और आपके लैंड आउटले से सर्टिफिकेट है, नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है, एक्सचेंज, इस प्रकार से आपको ये सारी सर्टिफिकेट लगानी है, अटैच करने। आई होप ये ऑफलाइन होगा फॉर्म। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, मे बी सेंट पोस्ट फॉर द फॉलोइंग एड्रेस, तो आपको ये एड्रेस दे रखा है, इस पर आपको सेंड करना है, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है। नागपुर महाराष्ट्र का ऑफलाइन आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आपको छोटी सी डिटेल भरनी है और आपको सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके बाय पोस्ट सेंड करना है। ये थी छोटी सी अपडेट। इस प्रकार की वैकेंसीज में काफ़ी कम फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। आई होप आप इसमें अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।